वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किए गए भारत बंद, कोविड-19 के नियंत्रण तथा आगामी पर्व त्योहारों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था एवं स्वच्छता की समीक्षा की। गोरखपुर के आयुक्त सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ADG अखिल कुमार, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, DIG रेंज राजेश डी मुदक, जिलाधिकारी के विजय पांडियन, SSP जोगेंद्र कुमार, CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 26 मार्च को भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर की गई तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र में आंदोलन का असर हो सकता है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहे और किसी भी हालत में आंदोलन को सफल न होने दे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण की रोकथाम और होली तथा शबे बारात पर्व को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए। भारत पैटर्न अलग और हमारी वजह से बनारस का था तो कैसे बनारस सर पहला रिव्यू तो जो किसान संगठनों के द्वारा कतिपय ऐलान किए गए हैं उसके संदर्भ में जिले जिले में क्या तैयारी है और उसकी क्या व्यवस्था है कि शांति व्यवस्था कायम रहे और कहीं किसी जनमानस को कठिनाई ना हो। दूसरा बिंदु कोविड के संदर्भ में ऐसा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अवैधा में है सर, ये कल किसान संगठनों ने भारत बंद की घोषणा की है, जो कतिपय किसान संगठनों की घोषणा है खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ जनपद इसके प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। ADG मेरठ क्या बोलना सर, जेडी सर इस संबंध में सर सभी जनपदों ने अपने जो पॉइंट्स उनके बताए गए हैं कि यहाँ यहाँ पर वो करेंगे, उनसे वार्ता भी कर ली है सब जगह पर और अधिकांश जगह पर ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम समय रहे। कहाँ कहाँ आप लोगों ने क्या है कि इस संबंध में आपके यहाँ दो रेंज पड़ते हैं, मेरठ रेंज और सहारनपुर रेंज, ये दोनों रेंज के प्रत्येक जनपद संवेदनशील हैं, यहाँ पे क्या जनपद स्तर पर पूरी तैयारी है।